इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेप लेवर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा प्रभा देवी मुंबई 400025। जय जिनेन्द्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, संपर्क करें ज्योतिष 8209528799247171। वेबसाइट www.jaijinendrajyotish.com। रमो अरिहंतारम्, रमो अरिहंतारम्, रमो सिद्धारम्, नमो सिद्धारम्, नमो आयरियानम्, नमो आयरियानम्, नमो वज्जायानम्, नमो वज्जायानम्, नमो लोये सव्वसाहुनम्, नमो लोये सव्वसाहुनम्, एषो पञ्चरमोयारो, एषो पञ्चरमोयारो, सव्वपावपणाशनो, सव्वपावपणाशनो, मंगलारम् च सवेसिम्, मंगलारम् च सवेसिम्, अर्हमम् होइ मंगलम्, अर्हमम् होइ मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय, जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय, जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज जी जय, जय जय जय। बोले गुणायतन पणिता शंका समाधान करता भावना युग प्रवर्तक तरुणाई की प्रखर वक्ता पूज गुणीवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, जय जय। मुनि संघ की जय, जय जय। एक बार किसी ने पूछा, क्या धर्म से हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा? क्या धर्म हमारी समस्याओं का समाधान दे सकता है? मैंने उत्तर दिया कि धर्म के अलावा ऐसा क्या है जो हमारे दुखों का निवारण कर सके या जिससे समाधान मिल सके। उन्होंने कहा, क्या हमारी आधारभूत सुविधाओं को धर्म दे सकता है? मैंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि धर्म के माध्यम से हमारी आधारभूत सुविधाएं या जरूरतें पूरी हो जाए, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि धर्म धारण करने से हमारे दुखों का निवारण हो सकता है। महाराज ये कैसे होगा? तो मैंने कहा, पहले अपने दुखों को टटोल करके देखो कि हमारे जीवन में दुख हैं वो क्यों हैं,
किस प्रकार का है और जो दुख है उसके निवारण का असल उपाय क्या है। आज बात मैं उसकी ही करने जा रहा हूँ। यदि मैं आप सबसे कहूँ कि तुम्हें क्या क्या दुख है बताओ तो एक लंबी फेहरिस्त आएगी, लंबी लिस्ट आएगी। सबके दुखों के अपने अपने कारण होंगे या सभी के दुखों का अपना अपना रोना निकलेगा, है ना? लेकिन सारे संसार के दुखों का यदि मैं समायोजन करूं तो मुझे चार प्रकार के दुख दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला दुख अभाव जन्य दुख, दूसरा कल्पना जन्य दुख, तीसरा वियोग जन्य दुख और चौथा परिस्थिति जन्य दुख। अभाव जन्य, कल्पना जन्य, वियोग जन्य और परिस्थिति जन्य। अगर किसी व्यक्ति से आप थोड़ा उसके अंदर उतर करके बातचीत की शुरुआत करो, टटोलो, और जब वो अपना हृदय खोलता अपने दुखों का रोना रोता है तो कोई कहेगा क्या करे, हमारे पास धन का अभाव है, कोई कहेगा संतान का अभाव है, कोई कहेगा स्वास्थ्य का अभाव है, कोई कहेगा परिवार का अभाव है, कोई किसी न किसी प्रकार के अभाव का रोना रोता है और उसे ही अपने दुख का मूल मानकर चलता है। माना अभाव और अल्पता मनुष्य को परेशान करती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सद्भाव और संपन्नता से मनुष्य खुश हो जाए। अभाव तो संसार में बना ही रहेगा, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी। किसी न किसी चीज की कमी हर मनुष्य के जीवन में होगी। संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा जिसके पास किसी वस्तु का अभाव ना हो, है क्या? अभाव तो संसार की पर्याय है। अभाव रिक्तता से संसार भरा है, कुछ ना कुछ कमी तो इस संसार में है ही। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ कुछ होगा, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ है ऐसा एक भी प्राणी? बहुत कुछ पाने के बाद भी कुछ और की चाह मन में बने रहती है और उसी की कमी मनुष्य के मन में सालती है जो उसे दुख देती है। यदि तुम अपने जीवन के अभावों को देखोगे तो कभी खुश नहीं दिखोगे और सद्भाव को देखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। हमें धर्म एक सीख देता है कि संसार में अभाव का अभाव नहीं हो सकता, लेकिन चाहे जितना अभाव क्यों ना हो हम उसके प्रभाव में ना आए ये हो सकता है। अभाव को मिटाना मेरे हाथ में नहीं है, पर अभाव को महसूस न करना मेरे हाथ में है, अभाव से अप्रभावित रहना मेरे हाथ में है। तो धर्म का पहला पाठ है, तुम्हारे जीवन में चाहे जितना अभाव क्यों ना हो तुम उससे अप्रभावित रहो, उसे महसूस मत करो। कमी होना और कमी महसूस करना दोनों में बड़ा अंतर है। कई लोग होते हैं जो अपने आप में बड़े संतुष्ट होते हैं, उनके पास बाहर से कमियां दिखती है लेकिन अंदर से बड़े खुश होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों की संपदा होती है लेकिन फिर भी भीतर से तकलीफ में होते हैं,
क्योंकि उन्हें अरबों के होने के बाद भी चीजों की कमी का एहसास होता है। तो धर्म कहता है, देख तेरे पास जो है उसे सहज रूप से स्वीकार कर, उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो, कभी दुख नहीं होगा। और उसकी कमी का एहसास करोगे तो कभी खुश नहीं रह सकोगे, कभी सुखी नहीं हो सकोगे। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो है उसमें मुझे संतोष है। ये संतोष का पाठ कौन पढ़ाता है? ये धर्म पढ़ाता है। तो जिसके हृदय में ऐसी दृष्टि प्रकट हो जाती है वो अभाव में भी खुश रह सकता है कि नहीं? उसके जीवन में अभाव जन्य दुख कभी हावी नहीं होगा। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश और रुदंत जी आंसूवाल दोनों पड़ोसी थे, अगल बगल में रहते थे। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी, उनके पास कोई रोता आता तो हंसता खिलखिलाता जाता था। और रुदंत जी आंसूवाल दिन भर अपना रोना ही रोते रहते थे, शिकायतों में जीते थे। कोई पहुंच जाए, क्या करूं जी, आज नींद देर से खुली, आज क्या करूं, पेट साफ नहीं हुआ, आज पत्नी ने समय पर चाय नहीं दिया, आज क्या करूं, खाने में कोई स्वाद ही नहीं था, आज ही क्या बताऊं, सवेरे से आज बोहनी नहीं हुई। अब उसकी यहां कोई पहुंचे ही और वो अपना रोना सुना दे, कौन किसी का रोना सुनना पसंद करता? नतीजा क्या निकला? हसंत जी दिलखुश के पास तो लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, जमघट लगा रहता था, और रुदंत जी आंसूवाल के पास कोई फटकना नहीं चाहता था, अगर किसी निमित्त से आ भी गया तो तुरंत खिसकने की फिराक में रहता था। अब इसे लगता था कि ये कोई मंत्र तंत्र करता है, इसलिए सबको अपनी तरफ खींच लेता है, मेरे पास कोई आता ही नहीं। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि चलो चल करके इसकी स्थिति को देखा जाए। एक दिन वो उसके घर गया, बड़ा साधारण सा दो कमरों का घर था। जब घर गया तो बाहर के कमरे में देखता क्या है, हसंत जी दिलखुश के गोद में उनका 14 साल का बेटा लेटा है और वो उसके माथे पे बाम बल रहे। पूछा क्या हुआ? बोले बेटे को बुखार है, मैं इसको बाम बल रहा हूं। आए, आने के बाद स्वागत किया, बिठाया और कहा मैं आपके लिए चाय लाता हूं, आप चाय पीजिए। चाय बनाने के लिए अंदर गया, चाय लेकर आया थोड़ी देर में। बोले क्या घर में इनकी माँ नहीं है क्या? घर का काम भी आप ही करते? बोले हाँ मैं ही करता हूँ। बोले क्यों, इनकी माँ नहीं? माँ तो है पर वो पागल है, अंदर के कमरे में लेती हुई। अच्छा, और कौन है घर में? बोले इसका बड़ा भाई है, वो आवारा है, अभी घूम रहा होगा, थोड़ी देर में आएगा तो खाना खा करके चला जाएगा। बोले अच्छा, तो घर का सारा काम आप खुद ही करते हो? बोले हाँ, इसमें क्या है, घर का काम है, अपना काम है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अब सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं देख रहा हूं एक बेटा बीमार, दूसरा बेटा आवारा, पत्नी पागल, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? आखिर कौन सा मंत्र जपते हो? उसने कहा कोई मैं मंत्र वंत्र नहीं जानता, मैंने तो हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न रहकर जीना ही अपने जीवन का मंत्र मान रखा है। मैं चीजों को सकारात्मक रूप से देखता हूं, मैं सोचता हूं कि मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ,
कम से कम पड़े रहती, चिल्लाती तो नहीं। अगर पागल होने के साथ चिल्लाना शुरू कर देती तो मेरा जीना बड़ा मुश्किल होता। बेटा आवारा है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया इसलिए आवारा हो गया, पर मैं ये इस बात का की खुशी मानता हूँ कि कम से कम आवारा है, अपराधी तो नहीं है। ये तो संसार में लगे हुए हैं। अब मैं घर के काम के निमित्त घर के सबकी सेवा करता हूँ और मैं यही मानता हूँ, अगर मैं त्याग तप नहीं कर पाया तो क्या हुआ, ये सेवा ही मेरी तपस्या है। चरणों में गिर पड़ा, बोले काश आप जैसी दृष्टि मेरे अंदर आ जाती तो मैं भी खुश हो सकता हूं। अब बात केवल इतनी सी है, संसार की समस्याओं को कोई नहीं मिटा सकता, तुम भी नहीं मिटा सकते। कमियां तो कुछ ना कुछ रहेगी, तुम कितना भी प्रयास करो, यदि तुम्हारे मन में संतोष है तभी तुम खुश रह सकते हो, और वो संतोष तभी होगा जब तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना जागेगी और तुम धर्मानुरूप जीवन जियोगे। समझ में आ गया? तो अब अभाव आपके लिए प्रभावित तो नहीं करेगा, हाँ? अब अभाव के प्रभाव में नहीं रहोगे। 25% दुख गया, चला गया ना। केवल एक सूत्र मान लो कि मेरे जीवन में चाहे कितना भी अभाव हो मैं उसके प्रभाव में नहीं रहूंगा, बस एक वाक का अपनाना। जो है मुझे उसका सत्कार करना है, अतिरिक्त के लिए प्रयत्न भले करूं पर परेशान नहीं होऊंगा। कोई तुम्हें दुखी कर पाएगा? कितनी भी कमी होगी तुम खुश रहोगे, और इसके अभाव में तुम्हारे पास कितना भी क्यों ना आ जाए आंसू ही बहेंगे। दूसरे नंबर में कल्पना जन्य दुख है। कुछ चीजें जो होती है ना मनुष्य के मन की कल्पनाओं के कारण उत्पन्न होती है। किसी भी मनुष्य के विषय में देखो तो उसके चित्त की दो स्थिति दिखती है, या तो वो अतीत की स्मृतियों में खोया मिलेगा या भविष्य की कल्पना में डूबा दिखेगा। अतीत में कुछ हो गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उसने ये किया उसने वो किया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ये लाभ हुआ ये मुझे नुकसान हुआ, उन अतीत की बात को पकड़ लेता है, या मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, है ना। अपनी चित्त वृत्ति को पलट कर देते, या तो गापर या थापर, होगा या हुआ था, गा या था, यही तुम्हारे दुखों की गाथा है, गा था। अरे गा था छोड़ो, है को पकड़ो। जो वर्तमान है वही मेरे लिए करने योग्य है। अतीत व्यतीत हो चुका, एक भोगा हुआ यथार्थ है, पर वो हाथ से निकल चुका, अब लौटने वाला नहीं है। हाँ अतीत से हम कुछ पा सकते हैं तो कुछ अनुभव पा सकते हैं। अतीत के रस को निचोड़ कर अनुभव का सार पाओ, पर केवल उसे स्मृतियों में अपने दिमाग का बोझ मत बनने दो, स्मृतियों को उतारो। लेकिन आप लोग पकड़ करके बैठ जाते हो, 20 बरस पहले किसी ने कुछ कहा, 20 बरस पहले कोई घटना घटी, वो आज भी पकड़ करके बैठे हो, और थोड़ा सा स्मरण आते ही एकदम उद्वेलित हो जाते हो, व्यग्र बेचैन और दुखी हो जाते हो। अरे वो तो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, अब उसको पकड़ करके रखने से क्या होता है। जो पकड़ करके बैठेंगे वे दुखी रहेंगे, और जो छोड़ने की कला जानते हैं
उनको कोई दुखी नहीं कहा, आप लेट अस गो। गया, बीत गया, व्यतीत हो गया, अब कहानी बदल गई। अनुभव लीजिए, जीवन आगे बढ़ेगा। मेरे सामने दो व्यक्ति आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने अतीत से अनुभव लिया और दूसरे के ऊपर अतीत हावी हुआ, दोनों की दो परिणतियां हुई। मैं आपको दोनों का प्रसंग सुनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति को व्यापार में नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। जो नुकसान हुआ तो उसने तुरंत अपने बच्चों से कहा कि देखो भाई, नुकसान होना था सो हो गया, अब इसका रोना रोने से तो उसकी भरपाई होगी नहीं। हम लोग एक बात तय करें कि किन कारणों से नुकसान हुआ उसकी पड़ताल करें और आगे उनसे अपने आप को बचा के रखें, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब अपनी शक्ति अपने पुराने नुकसान में अपना दिमाग उलझा कर खपाने में न लगाएं, अपनी शक्ति इस नुकसान को भूल कर और कमाने में लगाएं, आगे बढ़ जाएं। नुकसान को नुकसान मानने की जगह नसीहत मानना। उनने अपने बच्चों से कहा कि नुकसान को नसीहत मानो। नतीजा ये निकला कि उन्होंने 3 महीने तक अपने व्यापार को एकदम रोका, सिस्टम को दुरुस्त किया और सिस्टम व्यवस्थित करने के बाद ये निकला कि 2 साल में 300% की ग्रोथ कर ली। अगर केवल नुकसान 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 को पकड़ करके बैठे होते तो आज जहां है वहां नहीं पहुंच पाते। आज खुश है, उनने नुकसान को नसीहत माना। और एक दूसरा व्यक्ति जिसने व्यापार किया, नुकसान हुआ, मन में झटका लगा, दूसरी बार व्यापार किया, नुकसान हुआ, अब हिम्मत ही हार बैठा, मेरा भाग्य ही फूटा है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे 2 बार नुकसान हो गया, मैं कर ही नहीं सकता, और डिप्रेशन में आ गया। जो अतीत को पकड़ करके बैठते हैं वो दुखी रहते हैं, और जो अतीत से प्रेरणा लेते हैं उनको कोई दुखी नहीं करता, वो सफल होते हैं। पकड़ करके मत बैठो, प्रेरणा लो, सीख लो, नसीहत लो और भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझो। अतीत में जो हुआ वो कर्म के उदय से हुआ और भविष्य में भी वही होगा जो होना होगा, तुम्हारे चाहे तो नहीं होगा। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये करूंगा, मैं वैसा कर वो करूंगा, मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये बताओ, संसार की सारी व्यवस्था की रिमोट तुम्हारे हाथ में है क्या कि तुम जैसा घुमाओ वैसा काम हो जाए? बोलो, आज तक जो तुमने चाहा वो हुआ क्या? बोलो। तो जो मैं चाहूं वो हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो हो रहा है उसे मैं चाहूं ये मेरे हाथ में है कि नहीं? तो कहते भविष्य की कल्पना में मत उलझो, वर्तमान में जीने का अभ्यास करो, भविष्य के प्रति सतर्क रहना, भविष्य की व्यवस्था बनाना तो समझ में आता है, लेकिन केवल भविष्य की कल्पना में उलझ जाना समझ से परे है। उस कल्पना से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। जो इसमें जितना उलझता है वो उतना दुखी होता है। अरे महाराज जी, थोड़ी चिंता तो करनी पड़ती है। तो चिंता से किसी का परिणाम थोड़ी निकलता। भविष्य की व्यवस्था जुटाना और भविष्य की चिंता करना, इनमें बहुत अंतर है। भविष्य की व्यवस्था जुटाना समझदारी है और भविष्य की चिंता में समय खोना पागलपन। कल के लिए आज मैं अपनी व्यवस्था कर लूं कोई बात नहीं, ये करना है,
लेकिन कल कुछ हो ना जाए, कल कुछ हो ना जाए, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इस चिंता में अपने आज को विफल करना कतई समझदारी नहीं। तो भविष्य की कल्पनाओं में अज्ञानी उलझता है। धर्म हमें सीख देता है, पाठ पढ़ाता है कि जो है उसे सहज रूप से स्वीकार करो, ज्यादा चिंता और विकल्प अपने मन में हावी मत होने दो। यदि ये कला तुमने सीख ली तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, क्योंकि धर्म का ये पाठ है, संसार के सारे संयोग तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो कर्मोदय से जो आए उसे सहज स्वीकार करो। ये कला अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो क्या तुम्हारे जीवन में कल्पनाजन्य कोई दुख हावी होगा? बोलो, होगा क्या? गया 25%? गया ना, तो 50% तुम्हारा दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। अब यहीं छोड़ दे, 50% सहो संसार में रहना है तो क्यों पूरा करे? आज सारा दुख का निवारण कर देता हूं। तीसरा है वियोग जन्य दुख। संसार में हर प्राणी को किसी न किसी प्रकार का वियोग लगा है। जहां संयोग है वहां वियोग होगा। अरे सूरज उगेगा तो दिन ढलेगा कि नहीं ढलेगा, ये बोलो। दिन होगा तो रात होगी कि नहीं होगी? पतझड़ आएगा तो बसंत होगा कि नहीं होगा? बसंत है तो पतझड़ होगा कि नहीं होगा? ये तो संसार है, जन्म है तो मरण है ही, आया है तो जाना तय है। इसको आज तक कोई रोक सका? हा? हम लोगों को बचपन में एक पाठ पढ़ाया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथी निके असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। सबको एक दिन जाना है। तो जो इस तत्व को जानता है वो संयोग में ज्यादा हर्षित नहीं होता और वियोग में ज्यादा दुखी नहीं होता। ये तो पता आना जाना लगा हुआ है। अज्ञानी को संयोग में आनंद आता है और वियोग में वो आकुलित होता है। ज्ञानी जानता है ये तो संसार की प्रगति है, जिसका जितने दिन का साथ है वो उतने ही दिन साथ निभाता है। अब तुम सोचो ये वियोग हो गया, ये वियोग हो गया, वियोग हो गया, तो वियोग होने से वो व्यक्ति आ जाएगा क्या? एक व्यक्ति जो बड़ा धर्मात्मा था, उसकी अल्पवय में मृत्यु हो गई। उसकी धर्मपत्नी भी बहुत धर्मात्मा, जवानी में अपने पति को खोने का दुख भी उन्होंने अपने तत्व ज्ञान के बल पर सह लिया। वो रंच मात्र विचलित नहीं हुई। लेकिन उसके बेटे पर इस घटना का दुष्प्रभाव पड़ा। बेटा धर्म से विमुख हो गया। उसे लगा कि मेरे मम्मी पापा इतना धर्म करते, उसके बाद भी मेरे पापा को भगवान ने क्यों छीन लिया? जैसा कि बच्चे कहते हैं भगवान छीनते और देते नहीं है, ये पता होता तो शायद ऐसा नहीं बोलता। पर भगवान ने हमसे हमारे पापा को क्यों छीन लिया? हमने इतना धर्म किया तो धर्म करने का क्या फल, अब हम धर्म क्यों करें? अभी कोविड के दौर में भी बहुतों के साथ ऐसा हुआ। वो बच्चा मुझसे बचपन से जुड़ा हुआ था। एक दिन उसकी मां ने कहा कि महाराज जी, हमारे पति चले गए, हमें इसका रंच मात्र दुख नहीं है, पर एक ही विकल्प है कि मेरा बेटा धर्म से विमुख होगा तो उसका क्या होगा? महाराज जी, उसका स्थितिकरण करना है और वो आप ही कर सकते हो, मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूं। वो बच्चा मुझे मानता था, बचपन से जुड़ा था। एक दिन मैंने उसे बुलवाया,
वो आया। आते ही उसने पहला कहा, महाराज जी आप लोग धर्म कहते हो, धर्म कहते हो, पापा को धर्म से क्या मिला? हम धर्म क्यों बोलें? हमने कहा देख भाई, दुनिया से तो भगवान भी जाते हैं, हम तुम कहाँ लगते हैं, आना जाना तो लगा ही हुआ है। मैंने उससे बोला कि तू ये बता, राजा राणा छत्रपति पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? बोले हाँ पढ़ते हैं। बोले उसका मतलब क्या है? बोले जब जिसकी बारी आती सबको एक दिन जाना है। बोले तू भी जाएगा कि नहीं? बोले जाएंगे। बोले हम भी जाएंगे, तू भी जाएगा, संसार में जो आया सो जाएगा, इसको कोई रोक सकता है क्या? तेरे पापा चले गए, उनकी बारी आई, वो चले गए। तो फिर उसने बोला महाराज फिर धर्म क्यों करें? हमने कहा देख, किसी के आने जाने को धर्म भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते, लेकिन कोई आए जाए कैसा भी हो उससे हम प्रभावित रहे, ये धर्म सिखा सकता है। बोले महाराज कैसे सिखाता? उस शहर में एक घटना और घटी थी जो उसके पिता की मृत्यु से 6 महीने पहले थी। एक महिला घर से कूद कर, 58 वर्ष की महिला घर से कूद कर आत्महत्या कर, और उसका पति डिप्रेशन में आ गया। मैंने उससे पूछा तुझे पता है ये घटना घटी? बोले हाँ घटी। उसने बोला हाँ ऐसी ऐसी जगह घटना घटी थी। बोले उनका क्या हाल है? बोले वो डिप्रेशन में। बोले उनकी एज कितनी है? बोले 60+ होगी। बोले देख, 60 साल की उम्र में पत्नी को खोने वाला डिप्रेशन में है, और तेरी मम्मी ने, तेरी पापा की एज कितनी थी? बोले 38 साल की। मम्मी की एज? बोले उस समय 35 साल थी। बोले देख, 35 साल की उम्र में अपने पति को खोने के बाद भी तेरी मम्मी में कोई तकलीफ दिख रही है? बोले नहीं, वो तो स्थिर। बोले कैसे हो गया? बोले वो धर्म से हो गया, वो खुद बोलता है वो धर्म से हो गया। हमने कहा देख, तू अभी बोल रहा था मैं धर्म क्यों करूं, तो मैं तुझे यही सीख देता हूं, इसीलिए धर्म कर, अपने परिणामों को स्थिर बनाए रखना चाहते हो तो धर्म की शरण रखो। तुम्हारे वियोग को रोक नहीं सकता, वियोग को धर्म नहीं टाल सकता, पर कैसा भी वियोग हो विचलित ना हो, यह कला तुम्हें धर्म सिखा सकता है। संयोग वियोग में है बात गांठ में बांध लो, सर्वे संयोगा विप्रयोगांता। न मुझे संयोग में हर्षित होना है और न ही वियोग में विचलित होना है। संयोग वियोग दोनों को एक महज संयोग मानकर स्वीकार कर लो, मन कभी दुखी नहीं होगा। अब बोलो, इस तत्व ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति कभी दुखी हो सकता है? हो सकता है क्या? और बाकी तो सब रोते ही रोते अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो इस सत्य को स्वीकार करो। आप लोग को मर जाता है तो बोलते राम नाम सत्य है, मुर्दे को क्यों स्वीकार सुनाते हो? जीते जी सुनो ना। जीवन के इस सत्य को स्वीकारने वाला संयोग वियोग में न हर्ष करता है न विषाद, उसके अंदर स्थिरता बनी रहती है। तो ये भी हो गया ना खत्म, तो अब वियोग तुम्हें व्याकुल कर पाएगा? महाराज जी जितनी देर प्रवचन में ना उतनी देर तो अच्छा लग रहा है बिल्कुल ऐसे, लेकिन बाद में महाराज सहा नहीं जाता, यही तो मोह है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? जिसे तत्व ज्ञान होता है उसके ऊपर मोह हावी नहीं होता, वो अविचलित बना रहता है, उसमें स्थिरता कायम रहती है और वह जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाता है। अब चौथा दुख है परिस्थिति जन्य दुख है। तो मर जाता है तो बोलते राम नाम सत्य है, मुर्दे को क्यों स्वीकार सुनाते हो? जीते जी सुनो ना। जीवन के इस सत्य को स्वीकारने वाला संयोग वियोग में न हर्ष करता है न विषाद, उसके अंदर स्थिरता बनी रहती है। तो ये भी हो गया ना खत्म, तो अब वियोग तुम्हें व्याकुल कर पाएगा?
महाराज जी जितनी देर प्रवचन में ना उतनी देर तो अच्छा लग रहा है बिल्कुल ऐसे, लेकिन बाद में महाराज सहा नहीं जाता, यही तो वो है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। जिसे तत्व ज्ञान होता है उसके ऊपर मोह हावी नहीं होता, वो अविचलित बना रहता है, उसमें स्थिरता कायम रहती है और वो जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाता है। अब चौथा दुख है परिस्थिति जन्य दुख है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां बनी रहती है। अच्छी परिस्थितियां तो किसी को विचलित नहीं करती, लेकिन बुरी परिस्थितियों में व्यक्ति बहुत दुखी होता है, परेशान होता है होता है। मान लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, किसी की शारीरिक स्थिति गड़बड़ है, किसी की पारिवारिक स्थिति गड़बड़ है, किसी की सामाजिक स्थिति गड़बड़ है, तो ये जो स्थितियां अनुकूल नहीं होती वो व्यक्ति को परेशान कर देता है ठीक है। एक वाक्य कहता हूं, संसार में अच्छी बुरी परिस्थितियां सबके साथ जुड़ती है, महापुरुषों को भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तीर्थंकर भगवंतों के सामने भी विषम परिस्थितियां आई कि नहीं आई। पारसनाथ भगवान को देखो, 7 दिवस तक कितना भयानक उपसर्ग हुआ। अब ये बताओ क्या पारसनाथ भगवान दुखी थे? बोलो क्यों नहीं थे दुखी? ओले गिर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे, आग बरसा रहा, धूल बरसा रहा, पानी बरसा रहा, गर्जना कर रहा है, चीत्कार कर रहे हैं, सब तरफ से रौद्र रूप दिखाया जा रहा है, इतनी भयानक पोजीशन, इतनी भयानक स्थिति, इतनी विषम परिस्थिति, फिर भी वो दुखी क्यों नहीं? बोलो क्यों नहीं थे दुखी? आत्मध्यान में थे, मतलब इन बाहर की चीजों को देख नहीं रहे थे। चलो पारसनाथ भगवान को हम थोड़ा सा अलग ले जाते हैं, आप कहोगे तीर्थंकर भगवान थे, उनके पास अनंत क्षमता थी, उनने वैसा कर लिया। मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन की बात आपके सामने घटा देता हूं। आपको कोई धूप में रहने के लिए कहे तो रहने को तैयार हो गए? नहीं ना। और कभी भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच चल रहा हो, वर्ल्ड कप मैच चल रहा हो और 47 डिग्री के टेम्परेचर में आप देखने जा रहे हो, पेवेलियन में छाया रहती है क्या? क्या हो गया? धूप में बैठे बैठे आप परेशान होते हो कि मैच का आनंद लेते हो? क्या होता है, कहां से आ गया आनंद? धूप में बैठने से आनंद आया? बोलो, धूप में बैठने से आनंद आया? क्या आया? मैच देखने से आनंद आया? धूप में बैठकर आराम से मैच देख रहे हैं क्योंकि आपने अपने मन को मोड़ लिया, मन बनाकर आए मैच देखने जाना है। कोई जबरदस्ती आपको बिठा दे तब 1 मिनट भी नहीं रह पाओगे, है ना? इसका मतलब क्या है? विषमतम परिस्थितियों को झेलने की ताकत आपके अंदर है, बशर्ते आप मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। तो मैं आपसे सूत्र देता हूं, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलो।
परिस्थितियों को बदलना मेरे हाथ में नहीं है, कोई के हाथ में नहीं है कि तुम्हारी परिस्थिति बदल दे। रात को दिन बनाना किसी की बस की है क्या? रात को रात ही की तरह रहना पड़ेगा। रात में जीना है तो रात ही रहेगी, दिन नहीं होगा। दिन होने के लिए हमें 12 घंटे की प्रतीक्षा करनी होगी। रात को दिन नहीं बना सकते, पर रात में दिन जैसा काम हम जरूर कर सकते हैं अगर हम स्वीकार लेते, अपनी मनस्थिति को बदल लेते। तो एक सूत्र अपनाइए, चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, उसे कर्म का उदय मानकर हमें स्वीकार करना है। स्वीकार करते ही दुख हल्का हो जाता है, अब प्रतिकार करने वालों का दुख भारी होता है। तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, उसको स्वीकार करो, अपनी मानसिकता को अनुकूल बना लो। चलो भैया ठीक है, मेरे ये हालात है, कर्म का उदय है, संघर्ष करना है, संघर्ष मेरे कर्म में लगा है, करेंगे। रोना नहीं रोओगे, अपनी मनस्थिति ठीक कर लोगे तो कहीं तकलीफ नहीं होगी, और मनस्थिति बदल दोगे, बिगाड़ लोगे तो सिवाय तकलीफ की और कुछ नहीं होगी। एक बहन जी बहुत परेशान थी, उनकी परेशानी का सबब क्या था? उनके पति का स्वभाव ठीक नहीं था। अब पति थोड़ा गुस्सैल था, अब परेशान एक बार मेरे पास आई, महाराज मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई हूं, बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सा करते हैं, और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझ पर करते हैं। मैंने कहा कितने साल हो गए शादी को? बोले महाराज 27 साल हो गए। हमने 27 साल झेल लिया, और 10-20 साल झेल लिया। नहीं महाराज अब सहा नहीं जाता, मैं क्या करूं? तो हमने कहा पति बदलने का विचार है क्या? बोले वो भी नहीं हो सकता महाराज, तो सहा भी नहीं जा सकता, रहा भी नहीं जा सकता, तो फिर उपाय क्या है? मैंने कहा ना तुम पति को बदल सकती हो, ना तुम पति के स्वभाव को बदल सकती हो, पति के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लो, अभी तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। ये सोच लो कि ये मेरे पति का स्वभाव है, गुस्सा ही तो करते। मैंने पूछा हाथ पांव चलाते मारते नहीं महाराज? मुंह ही भर चलाते। ठीक है, तुम्हारी कोई चीजों में कमी तो नहीं होने, वो बाकी सब चीजें होते, गुस्सा केवल इसलिए ज्यादा करते कि मैं व्रत उपवास करती हूं, उनको लगता है कि मेरा स्वास्थ्य नहीं बिगड़ जाए। तो मैंने कहा ये तुम्हारे प्रति गुस्सा नहीं, उस व्यक्ति का प्रेम है, उसको उसका प्रेम मान लो, वो मेरी सेहत के ख्याल से ऐसा करते हैं, और इतने सालों में उस आदमी के स्वभाव को नहीं जाना तो तुमने क्या जाना? साथ रखकर अगर उसके स्वभाव को जान लेते और उसके स्वभाव के अनुकूल अपना बर्ताव बना लेते तो तुम्हारा ये दुख दुख नहीं रहता। लेकिन चलता है, रोना ही रोते हैं लोग, अरे अब क्या करें। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहता है, लेकिन जिसको धर्म का सम्यक ज्ञान होता है, जो धर्म को जीता है, उसके सामने चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो बहुत मुस्कुराते हुए उसका सामना करता है। जो सामने उसका सामना करो, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसको अपना करके चलोगे तो जीवन में कोई तुम्हें दुखी नहीं बनाएगा। इसको भुला दोगे तो कभी सुखी नहीं होगे। तो परिस्थिति का रोना मत रो, जैसी परिस्थिति है वैसे अपने आप को ढाल लो। परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर परिस्थिति के अनुसार ढलना हमारे हाथ में। ढलना सीखो, बदलना नहीं। कोशिश करो, यदि चीजों को बदलने की संभावना है तो बदल दो, लेकिन दिख रहा है कि इसे बदलना संभव नहीं है तो अपने मन को बदल दो। मानसिकता के बदले बिना कल्याण नहीं होगा। एक दिन कौवा बहुत तेज गति से जा रहा था, रास्ते में कोयल ने पूछा मामा कहाँ चले?
मामा यहाँ कहाँ चले? बोले पूरब के लोग बहुत खराब है, सुबह से मैं गाना शुरू करता हूँ ना तो सब अपने कान बंद कर लेते हैं, ये पूरब के लोग बड़े खराब है, सुबह से मैं गाना शुरू करता हूँ सब अपने कान बंद कर लेते, इसलिए मैंने तय कर लिया मैं पश्चिम में जा रहा हूँ और पश्चिम जाकर अपना गाना गाऊंगा, मैं पश्चिम जा रहा हूँ पश्चिम जाकर अपना गाना गाऊंगा। कोयल हंसी, कहा मामा जब तक अपने कंठ को नहीं सुधारोगे तुम पूरब में जाओ चाहे पश्चिम में, कौवे से तो काव काव ही होगी। समझ गए? तुम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलोगे तो जहां जाओगे केवल काव काव ही होगा। तो अंदर की काव काव को खत्म करना चाहते हो तो अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हम अगर अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो हमारे सारे दुख दूर होते हैं। मैं समझता हूँ इन चार सूत्रों में आपने इस चीज को समझ लिया, जो धर्म को धारता है उसका दुख दूर होता है। आप भी इस मंत्र को स्वीकार करें और अपने आप को दुखों से परिमुक्त करें इस भाव के साथ। यहीं पर विराम, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, ब्राइट ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेप लेवर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा प्रभादेवी मुंबई 400025। जय जिनेन्द्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, संपर्क करें ज्योतिष 8209528799247171751, वेबसाइट www.jaijinendrajyotish.com।